हे दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल दिलसाज यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप स्क्रीन पर कुछ एनिमेशन फोटो देख रहे हैं, अगर आप इस तरह के 3D एनिमेशन फोटो बनाना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बिंग ऐप को यूज कर सकते हैं और बिंग ऐप की मदद से कैसे आप इस तरह के 3D एनिमेशन बना सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए करना क्या होगा, अपने प्ले स्टोर में जाने के बाद बिंग ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल, आप यहां पर बिंग ऐप सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएगा। आपको अपने फोन में इसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन करते हैं, अब आपके सामने यहाँ पर बिंग एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर टच करना है और यहाँ पर आपको ChatGPT 4 को एनेबल कर देना है। वैसे ChatGPT 4 अगर आप अलग से यूज करते हैं तो आपको इसके पैसे देने होते हैं, लेकिन बिंग एप्लीकेशन में ChatGPT 4 आपको फ्री में मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर एप्स पर टच करना है। एप्स पर टच करने के बाद जितने भी यहाँ पर इसके फीचर हैं सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि रिवार्ड, एक्सप्लोर, वॉलपेपर, मनी, गेम्स, ट्रेंडिंग, इमेज, वेदर, आप यहां पर इसके सभी फीचर देख सकते हैं। लेकिन आपको इसमें पहले अकाउंट बनाना होता है। कैसे आप इसमें अकाउंट बनाओगे ये मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना है। आपको यहां पर सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले ऊपर आपको यहां पर साइन इन टू अर्न डेली पॉइंट पर एक बार आपको टच करना है। उसके बाद आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको यहां पर एक्सेस नाउ पर टच करना है। अब आप यहां पर अपने पुराने अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी एक पुराना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है। लेकिन हम यहां पर एक नया अकाउंट बनाने वाले हैं तो हम यहां पर क्रिएट वन पर टच करेंगे। और क्रिएट वन पर टच करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। अब यहाँ पर अगर आप यूज फोन नंबर पर टच करेंगे तो यहाँ पर आप अपना नंबर डाल सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप यूज ईमेल पर टच करेंगे तो आपके पास जो ऑलरेडी ईमेल है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप एक नया ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर गेट ए न्यू ईमेल एड्रेस पर टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नया ईमेल एड्रेस बना लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिलशाद, और अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करके देखता हूँ तो यहाँ पर दिलशाद नाम से अभी कोई भी ईमेल अवेलेबल नहीं है। तो अब हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा और चेंज करते हैं और अब यहाँ पर दोबारा नेक्स्ट पर टच करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है वो है यहाँ पर dilshad24252@outlook.com। ये हमारी न्यू माइक्रोसॉफ्ट आईडी बन चुकी है। अब आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। लेकिन पासवर्ड क्रिएट करते वक्त आपको ध्यान ये रखना है, उसमें कुछ नंबर होने चाहिए, कुछ ABCD के छोटे अक्षर होने चाहिए, कुछ ABCD के बड़े अक्षर होने चाहिए और कुछ इस तरह के चिन्ह होने चाहिए, तब जाके आप माइक्रोसॉफ्ट का जो पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकते हैं और आपका जो पासवर्ड है वो 8 अंकों से ज्यादा का हो। तो हम जल्दी से अपना एक नया पासवर्ड अब यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। और अपना पासवर्ड क्रिएट करने के बाद अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करना है, और नेक्स्ट पर टच करने के बाद अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करना है। और अब यहाँ पर आपको अपना कंट्री सेट करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डे आपको यहाँ पर डालना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करना है। अब आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर पिजल स्लू करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करना है। यहाँ पर आपको मैथ के कुछ अलग अलग क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है सोल्व करने हैं। जैसे कि आप यहाँ पर 8 देख सकते हैं तो यहाँ पर टोटल 8 होना चाहिए, अभी तक यहाँ पर 7 आ रहा है। तो हम यहाँ पर इस तरफ स्लाइड करते हैं। अब हम यहाँ पर दोबारा काउंट करते हैं, 2 और 2 4 और 4 और 4 8, और यहाँ पर 2। अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 नहीं आया है, अभी यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर हम दोबारा इस तरफ स्लाइड करते हैं। अब की बार हम देखते हैं कितनी संख्या यहाँ पर आ रही है, 1 2 3 4 5 6, अभी यहाँ पर 6 आ रहा है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पर देखते हैं हमारा यहाँ पर अब 8 आ रहा है या नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमारा 8 आ रहा है, जैसे कि 4 और 1 5, उसके बाद 1 6, उसके बाद 1 7, उसके बाद 1 8। अब हमारा यहाँ पर 8 आ चुका है। अब हम यहाँ पर सबमिट पर टच करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 पिजल स्लो हो चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पिजल हमें स्लो करना है, अब यहाँ पर 18 आना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर दोबारा काउंट करेंगे कितना है, 2 और 2 4 1 5 और 1 6 और 4 10, अभी यहाँ पर 18 नहीं हुआ है। हम दोबारा स्लाइड करते हैं, 5 और 5 10 और 6 16 और 1 17 और 1 18, अब यहाँ पर 18 हो चुके हैं। हम यहाँ पर दोबारा सबमिट पर टच करते हैं तो हमारे 2 पिजल स्लो हो चुके हैं। अब की बार यहाँ पर 17 आना चाहिए। इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं 4 और 2 6 और 2 8, अभी यहाँ पर 17 नहीं हुआ है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 17 आ चुका है। अब हम यहाँ पर सबमिट पर टच करते हैं, यहाँ पर पिजल अब सेट हो चुका है। इसी तरह आपको यहाँ पर तमाम पिजल सेट करने हैं। हम यहाँ पर अपने सभी पिजल को इसी तरह सोल्व कर लेते हैं। अब हमारा यहाँ पर जो 5वां पिजल है वो भी स्लो हो चुका है। और जरूरी नहीं है आपके पास कुछ इसी तरह का मैथ का क्वेश्चन आया, आपके पास कुछ अलग पिजल आ सकता है। बस आपको अपना पिजल सोल्व करना है और उसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा जो पिजल है वो सोल्व हो चुका है। अब हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है वो बन चुकी है। हम यहाँ पर गो इट पर टच करते हैं तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमने बिंग ऐप में लॉग इन कर लिया है। अब अगर हम यहाँ पर एप्स पर टच करते हैं तो यहाँ पर अगर हम टूडे पॉइंट पर टच करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। हमारा जो
माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है वो बन चुका है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर इमेज क्रिएटर पर टच करना है। इमेज क्रिएटर पर टच करने के बाद अब आपके सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपको जिस भी तरह का AI इमेज क्रिएट करना है वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ और पैराग्राफ आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये पैराग्राफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप यहाँ पर मेरे नाम की जगह अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिलशाद अली लिखा है, आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं और इस पैराग्राफ को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर सकते हैं। ये पैराग्राफ आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ज्वाइन एंड क्रिएट पर टच करना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो AI फोटो है वो क्रिएट हो चुका है और फोटो को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर टच करना है। उसके बाद जब आपका फोटो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और यहाँ पर 3 डॉट पर टच करने के बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद ये जो फोटो है आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। इसी तरह आप बाकी फोटो को भी अपने मोबाइल की गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर यूट्यूब से रिलेटेड इमेज बनाए हैं, आप चाहे तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, अलग सोशल मीडिया पर भी इमेज बना सकते हैं। बस आपको यहाँ पर यूट्यूब को हटाकर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक लिखना है। जिस भी सोशल मीडिया प्रोफाइल को आप यहाँ पर लाना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है और क्रिएट पर टच करना है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर फेसबुक लिखकर सर्च किया है तो अब आप देख सकते हैं फेसबुक से रिलेटेड यहाँ पर एनिमेशन बन चुका है। इस तरह आप बड़ी आसानी से बिंग ऐप में 3D एनिमेशन फोटो बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपका अभी भी कोई सवाल या सुझाव है बिंग ऐप से रिलेटेड तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और हमारे चैनल टेक्निकल दिलशाद को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप मेरी आने वाली न्यू वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।